ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। हेलो स्टूडेंट, द क्वेश्चन सेज कि अकार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैज टू प्लांट्स एक्स एंड वाई। द प्लांट एक्स प्रोड्यूसेस 70% ऑफ द कार्स एंड प्लांट बी मैन्युफैक्चर्स 30%। ठीक है, 80% ऑफ कार्स एट प्लांट ए, प्लांट एक्स, एंड 90% ऑफ कार्स एट प्लांट वाई are rated of standard quality। ठीक है, the car is chosen at random and is found to be of standard quality, then what is the probability that it comes from the plant x। ठीक है, ये जो सारा क्वेश्चन हैगा ये हैगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इजी है, अपन की करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन मोटा मोटे तरीके से समझा देना भाई। भी दो प्लांट है ने, कार बनाने वास्ते दो प्लांट ने, एक्स हैगा एक वाई हैगा। एक्स प्लांट च जिहड़ा हैगा साडे कोल 30% जिहड़ा साडा एक्स प्लांट है उहदे च 70% कारां बनदियां ने। ठीक है, ते जिहड़ा वाई प्लांट है, वाई प्लांट च साडे कोल 30% कारां बनदियां ने। ठीक है, दूजी गल जिहड़ियां कारां एक्स प्लांट च बनदियां ने उहदे चो 80% कारां जिहड़ियां ने ना उह स्टैंडर्ड क्वालिटी दियां ने। ठीक है, ते जड़ियां कारां वाई प्लांट च बनदियां ने उहदे चो 90% कारां जड़ियां ने उह स्टैंडर्ड क्वालिटी दे ने। हुण उह कहिंदा वी आपां इक कार जड़ी ना चूज कीती और उह बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी दी कार सी, ते दसो इस गल दी की प्रोबेबिलिटी है कि उह प्लांट एक्स तो बनी होएगी। ठीक है, ते चलो जी स्टार्ट करदे आं। देखो आपां की कर दिंदे आं, आपां मान लैंदे आं कि लेट ई, ई किन्नू रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, कि स्टैंडर्ड क्वालिटी दी कार हैगी है, ये ई जिहड़ा हैगा इस गल नू रिप्रेजेंट करदा है। दूसरी गल आपां की कर दिंदे आ, बी वन किन्नू रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट एक्स, प्लांट एक्स च कार बनी हैगी है। ठीक है, दूसरा अपन सपोज कर लेने हैं बी टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट वाई विच बनी हैगी है कार। हुण देखो, हुण वो कहिंदा हैगा जिहड़ियां कारां एक्स प्लांट च बनियां ने ना वो 70% बनदियां ने कारां एक्स प्लांट च, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, 70/100। 70% ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 70/100 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 7/10। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟ ਬੀ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 30%। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੀ ਟੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਬੀ ਚ ਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 30% ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 30/100 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3/10। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਈ ਬਾਏ ਬੀ ਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਰ, ਸਟੈਂਡਰਡ क्वालिटी कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट एक्स। ठीक है, और हम देखो एक्स फैक्टर च कितने परसेंट कारा ने जिहड़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी दे ने, 80%, यानी कि 80/100। ठीक है, यानी कि आ गया 8/10। ठीक है, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆ ਜਾਓ।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी टू, इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टैंडर्ड क्वालिटी कार इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट वाई, वाई प्लांट च, और किन्निया परसेंट कारा ने जेडे वाई प्लांट च बनदिया ने और स्टैंडर्ड क्वालिटी दे ने, ओने 90%, ठीक है, यानी कि 90/100, और ए आ गया साढ़े को 9/10। हुण आपां फाइंड की करना है, आपां फाइंड करना हैगा बी वन बाय ई, यानी कि आपां फाइंड करना हैगा भी साढ़े को कार आई है और वह स्टैंडर्ड क्वालिटी दी है, तो इस गल की की प्रोबेबिलिटी है कि वह प्लांट एक्स च बनी होगी, यानी कि आपां फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी कार हैज केम फ्रॉम कितो दी प्लांट एक्स। तो यदा साढ़े को एक फार्मूला होंगे, फार्मूला की है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी वन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी टू। ठीक है, हुण देखो साढ़े को सारी दी सारी वैल्यूज जिहड़ियां ने आपां पहले ही फाइंड कीतियां होईयां ने, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन, ठीक है, आ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन की सी एरी 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू 3/10, ठीक है, ई बाय बी वन की प्रोबेबिलिटी की सी 8/10 और ई बाय बी टू की प्रोबेबिलिटी कितनी सी 9/10। ये सारी वैल्यूज आप इतने पुट कर देनियां ने, जो आप पुट करांगे ये वैल्यू आ गई 7/10 मल्टीप्लाई 8/10 डिवाइड बाय 7/10 मल्टीप्लाई 8/10 प्लस ये कितना आ गया 3/10 मल्टीप्लाई 9/10। ठीक है, अगला स्टेप देख लो, ये आ गया 7 8, और 8 नु 5 7 ना मल्टीप्लाई करके आ गया 56/100, ये कितना हो गया साढ़े को 56/100 ते प्लस कितना आ गया 27/100, ये साढ़े को बन गया 56/100, ये दोनों नु प्लस कर दो कितना आ गया 83/100, ठीक है, ते 100 नाल 100 साडा कैंसल हो जाएगा, ये साढ़े को आंसर कितना आ जाएगा 56/83, यानी कि इस गल की प्रोबेबिलिटी की जिहड़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी दे कार सानू आपां सिलेक्ट कीती है वह प्लांट एक्स तो आई होएगी, वह प्रोबेबिलिटी हैगी है 56/83। थैंक यू।